का नवीन यूट्यूब चैनल में सीआरएसयू की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है आपके एडमिशन को लेकर। तो जो कैंडिडेट इंटीग्रेटेड कोर्स में अपना एडमिशन लेना चाहते हो सीआरएसयू में, तो आप सभी के लिए एडमिशन से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, तो आपके लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो मैं दिखा देती हूँ। ये आपके एडमिशन को लेकर है, ठीक है। बीए बीएड बीएससी बीएड जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हो, अपना एनरोलमेंट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ये रहा नोटिफिकेशन जो एडमिशन के लिए है, बीए बीएड बीएससी बीएड और बीएलएड के लिए जो प्रोफेशनल डिग्री है 4 ईयर के लिए, ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जो सीआरएसयू से हैं, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। और जो प्रोस्पेक्टस में जो लिस्ट ऑफ कॉलेज है और जो एलिजिबिलिटी है, एडमिशन शेड्यूल है, फीस क्या है, वो सब प्रोस्पेक्टस में आपको गिवन है। तो प्रोस्पेक्टस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है प्रोस्पेक्टस के लिए तो उसके लिए वीडियो बना दूंगी। उसके लिए आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, अगर आप प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हो तो। बाकी ये जो ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 6 से स्टार्ट हो चुके हैं आपके, 6 अक्टूबर से, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 21 तारीख। तो कुछ कैंडिडेट को ये भी डाउट है कि बीएड के जो 2 ईयर बीएड का प्रोग्राम कोर्स जो होता है वो उनके आपके एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो बीएड के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, जिसमें बीए बीएड बीएससी बीएड और बीएलएड के लिए शामिल हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन था आपका, और आप खुद से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो भी दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, कैसे आप खुद घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करोगे बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए तो एक अलग से पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये है फर्स्ट न्यू एडमिशन अप्लाई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है ऑनलाइन, जिसमें आपको आपके एकेडमिक सेशन सेलेक्ट करना है जिसमें 2021-22 आ जाएगा, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, यूजी में पीजी में, ये भी आपके सामने हो जाएगा। और आपने स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम सीआरएसयू में रजिस्टर हो रहे हो, या फिर आप पहले से ही आपने एडमिशन ले रखा है किसी कोर्स में सीआरएसयू के में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको येस और नो करना है। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम आएगा, फादर नेम, मदर नेम, और जो आपका और भी हैं जैसे कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डोमिसाइल है, मीडियम क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर, कहाँ आप रह रहे हो, इनकम कितनी है आपकी, ईमेल आईडी क्या है, उसके बाद 10th और 12th का रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद देन आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट कर दोगे तो आपके फ़ोन पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आने के बाद आपको अलग से दूसरी जगह पर लॉगिन करना है, जो कि कैंडिडेट लॉगिन है, यही रहा यहाँ पर सेकंड नंबर पे, कैंडिडेट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। और जो आईडी पासवर्ड आपको मिला है, जैसे यहाँ पर आपको आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके सामने अलग से एक जो पेज है वो ओपन होगा, जिसमें आपको कम्प्लीटली अपनी डिटेल फिल करनी है, अपनी जो 10th और 12th की मार्कशीट्स हैं वो अपलोड करनी है, अपने फ़ोटो, सिग्नेचर्स, डोमिसाइल। तो कुछ डिटेल्स आपको नेक्स्ट पेज पर देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड लेने के बाद लॉगिन करना है, और फिर आप यहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किसी भी कोर्स में सीआरएसयू में एफिलेटेड कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये प्रोसेस है आपका, आप यहाँ से कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अदरवाइज़ आप किसी कैफ़े से जाकर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यही नोटिफिकेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी, आई होप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, खासकर बीएड में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, बीएलएड में एडमिशन लेना है, तो या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है, इसकी फ़ीस के बारे में पूछना है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर सोनीपत में, तो आपकी पूरी पूरी हेल्प करी जाएगी, ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।